करते हैं दिल्ली सचिवालय पे, एजुकेटेड पोस्ट एजुकेटेड डॉक्टर्स यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार हमारी बात सुने, इन सब को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नीता मिश्रा है। हमारी मांगे सिर्फ ये हैं कि हम समान कार्य करते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह, रेगुलर डॉक्टर्स की तरह हम भी वही काम करते हैं और हमें अपने काम का समान वेतन दिया जाए। आज के डेट में हम एक रेगुलर डॉक्टर की बजाय उनसे कम से कम एक तिहाई सैलरी में काम कर रहे हैं। हमें 2007-08 में लिया गया था सिर्फ मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए, सिर्फ इम्यूनाइजेशन और ANC के लिए, लेकिन आज के डेट में हमसे सारा काम लिया जा रहा है। हम लोग सब डिस्पेंसरी के इंचार्जेस हैं, पूरी 350 पेशेंट की OPD देखते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। हम लोग आशास का काम कर रहे हैं, आशास को हैंडल करते हैं, उनके वाउचर्स बनाते हैं। हम में से बहुत सारे स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल आशा ट्रेनर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि कुछ डॉक्टर्स एक दूसरे तरह का एग्ज़ाम दे के आए थे, हम एक दूसरे तरह का एग्ज़ाम देकर आए। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जिस तरह से हमें हायर किया गया, बाकी काम हमारे समान है, लेकिन हमें उनसे एक तिहाई वेतन दिया जा रहा है। जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया था कि अगर क्वालिफिकेशन सेम हो, नेचर ऑफ वर्क सेम हो, तो सेम पे का हकदार है हर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई या एडहॉक एम्प्लॉई, सेम पे का हकदार है। और हम पिछले साल भी इसके लिए हड़ताल कर चुके हैं, हमें पूरा एश्योरेंस दिया गया कि आपको सेम पे दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इस चीज़ को लेकर डॉक्टर्स में बहुत आक्रोश है। हम नहीं चाहते कि हम सर्विसेज को अफेक्ट करें, हमें अपने मरीजों की याद आती है, हमें अपनी डिस्पेंसरी में काम करना अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार के बच्चों, दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको टीका ना लगे, गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट ना हो। हम भी जल्दी से जल्दी अपने काम पर जाना चाहते हैं, पर इस बार जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं देगी, हम इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, आपने बताया कि मैं डिस्पेंसरी इंचार्ज हूँ। बिल्कुल। और उसकी बिल्डिंग इंचार्ज भी आप ही हैं। मतलब एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बावजूद आपको समान वेतन और समान कार्य के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। और जो डॉक्टर हैं वहाँ आते हैं, वो आपके अंडर में काम करते हैं, उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है। बिल्कुल। एक नया ज्वाइनिंग का जो UPSC से डॉक्टर आता है, एक टेबल के आर पार हम बैठते हैं, लेकिन वो हमसे कम से कम 3 गुना 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहा होता है, हमसे जूनियर होके, और हम सीनियर होके भी इतनी कम सैलरी में काम कर रहे हैं। ना हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना हमें कोई मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। हम डॉक्टर्स होके अगर हम बीमार होते हैं तो अपनी दवाई खुद खरीदते हैं, ना उनका कोई रिम्बर्समेंट होता है। और जबकि जो रेगुलर स्टाफ है उन्हें चाइल्ड केयर लीव भी है, मेडिकल लीव है, इमरजेंसी लीव है, बेनिफिट्स हैं, मेडिकल कार्ड हैं, लेकिन ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट्स है ना ही हमारे पास कोई बेनिफिट्स हैं, और हमारी सैलरी भी उनसे कम है, और काम हम उनसे ज़्यादा ही करते होंगे, कम किसी हालत में नहीं करते हैं। सर, एक